आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आगरा पहुंचे कृषि और सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक पत्रकार वार्ता की। इस दौरान पत्रकार वार्ता में मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश और केंद्र की सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। वहीं नहरों की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। इस दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह नितिन गडकरी के दिल्ली से आगरा तक पानी के जहाज चलाने के सवाल पर बचते नजर आए। समीक्षा में कहा, इस नहर को निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए रिपोर्ट मांगी है। निष्प्रयोज्य घोषित हो जाएगी तभी हमें इस पर जो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी तो ये निष्प्रयोज्य नहीं है, निष्प्रयोज्य हो जाएगी। दूसरा आज विषय आया कि हमारे विभाग के अधिकारी हम नोटिस देते हैं तो संबंधित जो अतिक्रमण किए वो कहता है साहब ये तो हमारे लिए परेशान करने को, पैसा मांगने को हमारे लिए नोटिस दे रहे हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई भी करने को रहता है। तो हमारे विभाग के अधिकारियों ने इस पर FIR भी किसी थाने में एक दरोगा के खिलाफ दर्ज कराई, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई कि वो पुलिस का दरोगा है रिटायर। तो एक मिनट इनका उत्तर आ जाए। तो अभी जो अवैध अतिक्रमण है प्रशासन से मदद लेकर जिलाधिकारी और SSP दोनों इसमें मदद करेंगे, हर जगह कर भी रहे हैं, क्योंकि सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी संपत्तियों को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा, कब्जे से मुक्त कराएंगे। मुजफ्फरनगर में पिछले कई दिनों से हो रही भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बीती रात आई तेज आंधी तूफान के बाद हुई बारिश से राहत मिली। तो वहीं तेज आंधी तूफान और बरसात से किसानों की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। आंधी तूफान के चलते कई जगह सड़कों पर पेड़ टूटकर गिर गए, तो वहीं कई मकानों के ऊपर लगे टीन शेड भी तूफान में उड़कर गिर गए। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी जंगल में किसान का गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि गांव रसूलपुर दबेड़ी निवासी किसान रात के समय ट्यूबवेल पर निर्माण कार्य करा रहा था, जहां देर हो जाने पर किसान वहीं पर सो गया, जिसके बाद सुबह किसान का शव मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जाँच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में बीती रात आई आंधी तूफान ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, जहां इंदिरापुरम में एक दीवार गिरने से महिला उसके नीचे दब गई। बताया जा रहा है कि महिला दीवार के पास में ही सो रही थी, इसी दौरान तूफान आने पर दीवार भरभराकर महिला के ऊपर गिर गई। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने आंधी तूफान में पीड़ित लोगों की हर संभव मदद करने की बात कही है। गाजियाबाद के सियाहानी गेट इलाके में एक सोसाइटी के गेट पर दबंगई कर रही महिला का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में महिला कुछ महिला गार्ड्स और अन्य गार्ड्स के साथ मिलकर मारपीट करती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, महिला ने पास में रखे सामान में भी तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि गार्ड ने सुरक्षा के लिहाज से महिला की कैप चेक करने की बात कही, जिस पर महिला भड़क गई और मारपीट शुरू कर दी। गाजियाबाद के मुरादनगर में छोटा हरिद्वार मंदिर के पास चार युवकों को स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने नहर में डूबने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि युवक गर्मी से परेशान होकर नहर में नहाने गए थे, इस दौरान वो नहर में डूबने लगे। वहीं जब लोगों ने युवकों को डूबते हुए देखा तो गोताखोरों की मदद से उन्हें बचा लिया गया। फैजाबाद पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी महिलाओं के साथ हो रही यौन हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां बीकापुर में बाग में आम बीनने गई मासूम बच्ची को युवक ने हवस का शिकार बना लिया, वहीं बच्ची के चिल्लाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराकर जाँच शुरू कर दी है। फैजाबाद में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब कोर्ट के आदेश पर 10 महीने बाद मृतक का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में परिजनों ने आशंका जताई है कि युवक की जहर देकर हत्या की गई है। वहीं आरोप है कि उस समय पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज नहीं किया था, जिसके बाद परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कोर्ट के आदेश पर युवक का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शाहजहांपुर में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या होने के बाद शव खेत से मिलने पर सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि उबरिया गांव निवासी युवक बीते रात से ही घर से लापता था, जिसका शव अब खेत से बरामद हुआ है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि रंजिश के चलते ये हत्या की गई है। फिलहाल परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है।
बांदा के किलेदारपुरवा में हुई एक युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतका के बड़े भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी मां ने मृत्यु से पहले अपनी जायदाद बहन के नाम कर दी थी, जिससे नाराज उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को जेल भेज दिया है, साथ ही फरार दूसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बांदा के मटौन थाने के पास एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से ट्रक के नीचे दबकर क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिनमें कोहराम मचा हुआ है। सीएम योगी 2 जून को हरदोई का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान सीएम सांसद विधायक और संगठन के लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, वहीं एक गांव का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर कई तैयारियां की गई हैं, जिसमें अधिकारियों ने एसी से लेकर प्रेक्षक गृह तक का भगवाकरण करा दिया है। हद तो तब हो गई जब अति विशिष्ट कक्ष में बने शौचालय को भी भगवा रंग में रंग दिया गया, जबकि लोग इस रंग को आस्था से जोड़कर देखते हैं। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।